रेलवे एलपी 2024। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है सबके मन में कि हमारा एग्जाम कब होगा, कब तक आएगी हमारी एग्जाम डेट, और CBT 1 का आपका एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, 2018 में जो आपका रेलवे का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो बहुत बड़ा वैकेंसी आया था, उसमें क्या पैटर्न था, कितना समय लगा था, और साथ ही साथ इस बार हमारे साथ एक और कंस्टेंट है, एक और चीज यहाँ पे अड़चन बनेगी, जो कि है लोकसभा का इलेक्शन। तो लोकसभा का इलेक्शन जो है वो हमारा अप्रैल मई के महीने में है, क्योंकि जून में 16 जून को जो है करंट जो सरकार है उसका टेन्योर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो पिछले साल क्या हुआ था आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे हमारा लास्ट डेट जो था अप्लाई करने का वो था 5 मार्च। 5 मार्च आपका लास्ट डे था अप्लाई करने का। ठीक है, तो लास्ट डे का अप्लाई करने का, उसके बाद क्या था, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आए थे उस टाइम पे। 2018 में हमारे पास काफी वैकेंसीज थी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, अराउंड 10 से 12 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म था वहां पे। तो कुछ इश्यूज आए थे, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके बताया है, कैंडिडेट्स हैव रिपोर्टेड ड्यू टू स्लो स्पीड ऑफ एप्लीकेशन पेज, वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे थे, या तो फोटोग्राफ उन्होंने इनवैलिड दे दिया था तो वहां पर करेक्ट करने के लिए ऑप्शन था। तो इन सब कारणों से क्या हुआ, थोड़ा सा समय लग गया हमारा एग्जाम होने में। तो देख सकते हैं मार्च, 5 मार्च को आपका क्या हुआ, लास्ट एप्लीकेशन का लास्ट डेट था। उसके बाद आपका जो परीक्षा हुआ है वो हुआ है 9 अगस्त। ठीक है, 5 मार्च को लास्ट डेट था, परीक्षा 9 अगस्त हुआ है, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, तो अगस्त में अराउंड 5.5 महीने का समय हो गया यहाँ पे हमारा, और उसके बाद एग्जाम हुआ। मार्च का पूरा महीना, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, और 9 अगस्त को आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो 9 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है, मतलब आपको मोटे मोटा अराउंड 5 महीने का समय लग गया लास्ट डेट से आपका एग्जाम होने तक। CBT 1 कितना समय लग गया, 5 महीने। ठीक, अभी यहाँ पे क्या कंस्टेंट है, इस बार हमारे का हमारा जो है वो 29 29 फरवरी लास्ट डेट। ठीक है, 29 फरवरी तक आपको मॉडिफिकेशन करेक्शन वगैरह का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 19 तारीख तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और 20 से 29 तक, ठीक है, 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फरवरी आखिरी तक, फरवरी के एंड तक आपको समय दिया है फॉर्म में करेक्शन। अब हमारे पास बचता है मार्च का महीना, क्योंकि अप्रैल और मई में चुनाव होगा यहाँ पे। अभी क्या हो गया दोस्तों कि जब कोई बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है उसमें बहुत सारा रिसोर्सेस लगता है। यहाँ पे IAS ऑफिसर्स लगते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो रेलवे के ऑफिसर्स होते हैं, ये इंगेज रहते हैं रेलवे की एग्जाम्स में, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोस्ट है। IAS के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस का रिसोर्सेस, क्योंकि जितना एप्लीकेशन फॉर्म होगा CBT 1 तो सबको देना है ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, तो कॉलेजेस का रिसोर्स अरेंज करना, तो इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है और बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। रिसोर्सेज मतलब बहुत आदमी, बहुत लोग लगते हैं इन एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ मार्च का महीना है, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपकी मार्च में परीक्षा हो जाए, या तो 15 अप्रैल तक, क्योंकि तो अप्रैल मिड से आपको मई का महीना पूरा चुनाव में जाएगा, लोकसभा के चुनाव में। तो या तो फिर आपका जो चुनाव, जो आपका एग्जाम होगा CBT 1 का, वो होगा 15 जून के बाद। ठीक है, 15 जून के बाद, ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये कुछ फाइनल डेट नहीं। तो आप ये बात ध्यान रखिए, ये क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास कितना समय है प्रिपरेशन के लिए। आप तो 15 मार्च की डेट लेके प्रिपरेशन करिए, ताकि यदि आपका जून में भी परीक्षा होता है तो आपको रिवीजन का समय मिल जाएगा। तो अभी आपका आज है 27 तारीख, 27 जनवरी, तो फरवरी और मार्च 1.5 से 2 महीने का समय है आपको तैयारी करने के लिए। CBT 1 का एक एक टॉपिक क्लियर कर लीजिए। मैं आपको वीडियोस के थ्रू सैम्पल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, टाइम बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लॉजिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कैसे ट्रिक से हम क्वेश्चंस इजी सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्शंस कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को मेरे वीडियोस को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमने मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम कवर कर लिया है, तो उसके वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे पिछले साल 5 महीने लगे थे, तो इस साल यदि जून में हुआ तो इस साल भी अराउंड आपके 3 से 4 महीने का समय हो जाएगा। ठीक है, मार्च अप्रैल मई और जून, तो 3.5 4 महीने का समय हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही एग्जाम पॉसिबल है 80% तरीके से। बाकी 20% चांसेस है कि आपका मार्च में एग्जाम हो जाए, पर वो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ये वैकेंसीज, क्योंकि क्या होता है कि जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के पहले थोड़ी बड़ी वैकेंसी आ जाती है, तो कैंडिडेट्स के माइंड में भी आ जाता है कि सरकार हमें नौकरी दे रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ी वैकेंसी है, इसलिए फॉर्म्स तो फिल करवा लिए जाएंगे, पर शायद आपकी एग्जाम जून के बाद होगी। बट एनीवे, जैसे ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, मैं जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम डेट आ गई है और सीबीटी का आपको आगे कैसा क्या प्रिपरेशन करना है, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।